ओम शांति। तो आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स 10 तारीख, कौन सा साल होगा सबको याद होगा क्योंकि आगे भी चली हुई है, 10 तारीख फरवरी मास और 75 साल। आज की मुरली विशेष सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण, हेडिंग है सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण। बाबा ने कहा है आज ये संगठन ज्ञानी तु आत्माओं का है, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं अथवा योगी तु आत्माएं बाप दादा को भी अति प्रिय है और विश्व में भी अति प्रिय है। विश्व में प्रिय कैसे है? ऐसे ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा का भक्ति मार्ग में गायन और पूजन चलता रहता है। वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजन्य और गायन योग्य है। पूजन्य अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग्य आत्माएं ऐसी पूजन्य अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग्य आत्माएं ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन व वर्णन अब भी सब करते रहते हैं। भविष्य के गायन और पूजन का आधार सारा ही वर्तमान पर है। भविष्य में अर्थात भक्ति मार्ग में कौन कितने गायन और पूजन्य योग्य बनेंगे उसका अपने बुद्धि योग बल के द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी भी कर सकता है। हर एक अपने को स्वयं भी समझ सकता है। हर एक अपने आप को देखे, क्या देखे? इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं अर्थात जो संपर्क में आने वाले हैं अपने ब्रह्मर कुल की आत्माएं हैं और साथ साथ अज्ञानी आत्माएं भी जो संपर्क में आती रहती हैं वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्य के नज़र से देखती हैं। ये स्वयं चेक करो कि ऐसे वो हमें देखती हैं। पूज्य बड़े को भी कहा जाता है तो सर्व आत्माएं उस नज़र से देखती व समझती हैं। अगर अल्प आत्माएं पूजा अनुभव करती हैं तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर ही है। ऐसे ही वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर ही है या भविष्य का आधार वर्तमान पर है? हाँ, दोनों बातें बाबा कहते हैं ना, स्मृति में लाओ हम कौन थे, तो जो पूजा बने वो फिर जब ये स्मृति आएंगी तो ऑटोमेटिकली अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बना देंगे। बाबा कहते हैं पूजा बड़े को भी कहा जाता है तो सर्व आत्माएं उस नज़र से देखती व समझती है। ये अपने आप को चेक करो। अगर अल्प आत्माएं पूजा अनुभव करती हैं तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर है। ऐसे ही जो भी आत्माएं साथी बनती हैं व संबंध में आती हैं उनको विशेष मुझ आत्मा के गुणों का उनको विशेष मुझ आत्मा के गुण अनुभव में आते हैं। चेक करो अपने को। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे
तो अब भी वह आत्माएं मन ही मन में वा वाणी में भी ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य करेंगी। गुण कोई भी हो, वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। कोई भी गुण है तो गुण का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ता ही है। गुण छिप नहीं सकते, तो ऐसे पूजा और गुणगान कराने वाली ज्ञानी तु आत्माएं और योगी तु आत्माएं बने हो। अल्प आत्माओं के प्रति अथवा सर्व के प्रति सर्व गुणों का गायन करते हैं अथवा थोड़े बहुत गुणों का गायन करते हैं। ये एक चेकिंग और उससे भी सूक्ष्म, थोड़े गुणों का गायन करते हैं या हर गुण को महसूस करते हैं। गुणों के गायन का पलड़ा भारी है या साधारण चलन का पलड़ा भारी है। समय प्रमाण, अभी अपनी सब सब्जेक्ट के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है, वह मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही बने हैं, कल्याणकारी बने हैं अथवा विश्व कल्याणकारी बने हैं, ये प्रश्न बाबा हमें दे रहे हैं। अब अगर चेक करेंगे तो चेक करने के बाद जो भी कमी पेशी होंगी तो संपन्न करने का अब भी कुछ समय है, लेकिन कुछ समय के बाद संपन्न करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? संपन्न बनी हुई आत्माओं को देखने वाले बन जाएंगे, सीट लेने वाले नहीं बन सकेंगे। तो बताओ, साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार कराने वाला बनना है? है दोनों साक्षात्कार मूर्त, पर साक्षात्कार मूर्त स्वयं केवल बनना है या साक्षात्कार कराने वाले बनने हैं? ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सार रूप में तीन बातें अपने में देखो। चेकिंग करने की बातें भी बाबा ने हमें स्पष्ट बता दी हैं। तीन बातें कौन सी? एक बात, पहली बात, सर्व अधिकारी बने हैं। दूसरी, परोपकारी बने हैं। तीसरी, सर्व प्रति सत्कारी बने हैं, अर्थात सर्व को सत्कार देते और लेने योग्य बने हैं। याद रखो, सत्कार देना ही लेना है। इन तीन बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। उनके स्पष्टीकरण को तो अच्छी रीत से जानते हो ना। सर्वाधिकारी का अर्थ है, बाबा ने हर बात को बड़े स्पष्ट क्लियर शब्दों में बताया है, सर्वाधिकारी का अर्थ है सर्व कर्म इंद्रियों पर अधिकार। साथ साथ जैसे इस शरीर की भिन्न भिन्न शक्तियाँ, हाथ पांव मुख कान आदि आदि हैं, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियाँ हैं। जानते हैं ना हम सभी,
आत्मा की शक्तियाँ हैं मन, बुद्धि और संस्कार। तो इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकारी बने हैं। अपनी रचना प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हो, इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकारी बने हो। अपनी रचना प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हो। कोई भी प्रकृति के तत्व अपने तरफ आकर्षित तो नहीं करते हैं। जब साइंस के द्वारा प्रकृति अथवा पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे अर्थात व्यक्त भाव से परे अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे, क्या ये शोभता है? ये तो शोभता नहीं। ऐसे ही बाप के द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियाँ, जिनमें से थोड़ा सैंपल रूप में चित्र भी बना है, अष्ट शक्तियों का चित्र, ऐसे ही बाप के द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियाँ, जिनमें से थोड़ा सैंपल रूप में भी चित्र बना है, तो वर्षे में प्राप्त हुई शक्तियाँ अर्थात स्वयं की जायदाद व प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार है। जब चाहो तब किसी भी शक्ति के द्वारा स्वयं को सफल बना सको। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है। ऐसे ही इस ईश्वरी जायदाद को, शक्तियों को, जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो। इस जायदाद के भी अधिकारी हो। इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। हर आत्मा के प्रति, ये हुआ पहला, सर्व अधिकारी बने हैं। अब दूसरी बात, परोपकारी बने हैं, दूसरी बाबा ने बताई है। तो हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं, हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि ये सर्व आत्माएं जैसे कि बाप के हर समय स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देते हैं, ऐसे कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनती? क्योंकि बाप सबके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। ये मिसाल बाबा दे रहे हैं, सर्व के सामने स्वयं को सर्व शक्तियों समेत सेवा में समर्पित किया है। किसने? हाँ, ये बाप का मिसाल बाबा हमारे आगे रखते हैं। तो बाप को देखो, बाप सर्व शक्तियों सहित बच्चों की सेवा में है। अपने समय को, उसका विस्तार, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन, दाता बने। ऐसे फॉलो फादर
स्वयं के प्रति ऐसे फॉलो फादर, स्वयं के प्रति नाम शान मान सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। ऐसे ही तीसरी बात, सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी के द्वारा सेवा, संपर्क के द्वारा सेवा, सेल्वेशन के द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा सेवा करना सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण के द्वारा दान करना व दूसरों को भी ऐसा गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, ये है श्रेष्ठ सेवा। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना, बाबा ने बहुत बड़ा विस्तार बताया है, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। जितनी बाबा ने बातें दी है, देखो सारी बातें हमें याद रहती हैं। निर्बल को देख, किनारा नहीं करना है, वह थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर सम्मान देने के द्वारा सर्व के हितकारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। चौथा, स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है, चाहे छोटा है या बड़ा है, महारथी हो व पैदा हो, सर्व को सत्कार की नज़र से देखो। सत्कार न देने वाले को, मुझे कोई सत्कार न दे, बाबा कहते हैं सत्कार न देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, गिलानी करने वाले के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। सुन रहे हैं ना हम सभी? हाँ, अपने दिल के अंदर बातें पक्की करते जाए। पक्की करना माना स्वयं में फिर से उन बातों को भरना। इस वर्ष में बाबा कहते हैं, तो इस वर्ष में दो प्रकार की विशेष सेवा होनी चाहिए। एक, स्वयं को संपन्न बनाने की सेवा। उसके लिए इस वर्ष में चारों तरफ विशेष स्थानों पर उन्नति के साधन, योग बट्टी के साधन,
और धारणा की भट्ठी चाहिए। ऐसे हर जगह चारों ओर ग्रुप वाइज भट्ठियों का प्रोग्राम रखो, हर एक को स्वतंत्र कर भट्ठी का अनुभव कराओ। जैसे पिछले वर्ष में योग भट्ठी का प्रोग्राम रखा था, ऐसे ही धारणा और याद दोनों सब्जेक्ट पर स्वयं को संपन्न बनाने की भट्ठी हो, ऐसा प्रोग्राम सब मिलकर के बनाओ। अब दूसरी बात है विश्व के प्रति सेवा, ये हुई अपने प्रति सेवा। अब विश्व के प्रति सेवा, उसके लिए हर एक सेवा केंद्र को स्वयं के आसपास के स्थानों को संदेश देने का प्रोग्राम तीव्र गति से करना पड़े। कोई भी आसपास का स्थान संदेश देने से वंचित न रहे, नहीं तो वंचित रही हुई आत्माओं का बोझ निमित्त बनी हुई आत्माओं पर है। इसलिए चक्रवर्ती बनो, महादानी अर्थात महादान देते आगे बढ़ते चलना है। एक एक निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को सिर्फ दो चार स्थान नहीं, लेकिन आसपास के सर्व स्थानों पर चक्कर लगाने के निमित्त बनना है। हर स्थान पर आप समान निमित्त बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर बैठ नहीं जाओ। तो इस वर्ष चक्कर लगाते विशेष सेवा ये करनी है, संदेश देते आप समान निमित्त बनाते हुए सारे विश्व को तथा स्वयं के आसपास वालों को संदेश देना है। अब हैंड्स बनाने का कर्तव्य करो। समय प्रमाण जैसे समय की गति तीव्र होती जा रही है, ऐसे सेवा की रिजल्ट का प्रत्यक्ष फल बनी बनाई निमित्त बनने वाली आत्माएं सहज ही निकाल सकती है। सिर्फ लक्ष्य, हिम्मत और परख चाहिए। जैसे कलप पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया और फल मिल गया। अब तो प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय को वरदान है, इसका लाभ उठाओ। संगम के समय को ये वरदान है, इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो, तब ये प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं के आराम, स्वयं के प्रति सेवा अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से
कभी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, अंडरलाइन करने की बातें हैं। स्वयं के प्रति, स्वयं के आराम, स्वयं के प्रति सेवा, अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। जैसे सेवा के आरंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माई हो। ऐसे मध्य में बाप ने, ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं प्रति लगाने का अनुभव भी कराया है, लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति लगाओ, क्योंकि अभी आगे चल कर के अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करेंगी। बाबा ने आगे की भी आकर्षण दे दी, ऐसे न समझो नहीं मिलेंगी संपत्ति, आगे और भी ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना, स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए ऐसे त्याग मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। समझा? अब निमित्त बनने वाले वारिसों का और सेवा में सहयोगी बनने वालों का गुलदस्ता तैयार करके बाप के आगे भेंट करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी सो विश्व राज अधिकारी। इस पर ही प्राइस मिलेंगी। पिछले बार की जो इसके पहले जो साल बीता, पिछले बार की रिजल्ट नहीं आई है जो प्राइस दें, इसलिए इस बारी पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइस लो। अच्छा, सुन ली बाबा की मुरली है? बड़े सहज शब्दों में बड़ी अटेंशन योग्य बातें बाबा ने हम बच्चों को दी है। चलते चलते ऐसी बातें हल्की हो जाती हैं, इसलिए समय समय पर बाबा हमें फिर से, रहम दिल तो बाप है, फिर से याद दिलाकर अटेंशन खिंचवा लेते हैं। तो बच्चे चलते चलते सेवा में बिजी होते, कहीं कहीं फिर अलबेलापन आ जाता, इसलिए बाबा रहम दिल हमें भिन्न भिन्न प्रकार से ऊंची ऊंची बातों की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस वारी पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइस लो। अभी भी हमें याद होगा ना, बाबा ने व्यर्थ से मुक्त, समय और संकल्प कैसे सफल होते रहे, ये रिजल्ट इस बार बाबा हम बच्चों से पूछेंगे। अच्छा,
ऐसे विल करने वाले, यह व्यक्त बाप दादा की मुरली याद है ना हमें, सारी मुरली के बाद लास्ट में सारी मुरली का सार क्या क्या हमें ध्यान पे रखना है। ऐसे विल करने वाले, वन नंबर में आने वाले, प्रत्यक्ष फल देने वाले, बाप को प्रख्यात करने वाले शक्ति सेना और पांडव सेना का झंडा लहराने वाले, कितने टाइटल, और विश्व के आगे बाप दादा का जय जयकार कराने के निमित्त बनने वाली विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर से आज का वरदान, फ्राक दिल बनकर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्राक दिल बनकर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वे दिल से तुम्हें दुआएं देते रहेंगे। आप तो हो ही दाता के बच्चे, तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाले ही नहीं है, भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना अपनी छोड़नी नहीं है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है, ये निश्चित मानो। स्लोगन आज का, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी शक्तिशाली बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है, इसी पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ओम शांति शांति शांति।